इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी बीच आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ पा रही हूँ एंड आई नो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हम लोग DSSSB के लिए प्रिपरेशन करें, हम EMRS के लिए प्रिपेयर करें, हम KVS के लिए करें या NVS के लिए करें, तो हमारी वैकेंसीज एक्चुअली में कब आएंगी, ये सबका डाउट रहता है। तो NVS की वैकेंसीज आपको नेक्स्ट मंथ आप लोगों को देखने को मिलेगी, बाय 14th, 13th और 15th अगस्त डेफिनेटली देखने को मिलेगी, जिसके लिए आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट इनका NVS KVS इनका जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट ये सेम होता है। एंड KVS की वैकेंसीज, क्योंकि KVS के लिए बहुत जने वेट कर रहे होते हैं और DSSSB में भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आप लोग ऐसा सी सब्जेक्ट अगर आप DSSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सब्जेक्ट तो आपका KVS के लिए भी प्रिपेयर हो रहा है, दी बोथ थिंग्स आर सेम। देन रीजनिंग कर रहे हैं तो रीजनिंग भी आपको काम आने वाली है। अब आप लोगों को करना क्या है, आपको KVS की वैकेंसीज का वेट है। सी अभी आपको पता है कि रीसेंट क्या हुआ है, KVS के अंदर जो है आपका जो ट्रांसफर का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। अब क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्या होते हैं, अपने होम टाउन में रहना शिफ्ट मतलब पसंद करते हैं, दिस इज़ वेरी ट्रू। मैंने तो KVS का मैंने आपको बताया था कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग से, क्योंकि 3 साल वहाँ पे जाना था तो उस टाइम पे मैं अनमैरिड थी, तो मैंने KVS की अपॉर्चुनिटी छोड़ दी थी। उस टाइम पे बीएड वाले PRT भी दे सकते थे, तो मैंने PRT का क्लियर किया था एंड अपनी सेल्फ स्टडी से ही किया था, बट मैंने वो छोड़ दिया था। सो मैं आपको ये बताऊंगी कि अब हमारी जो वैकेंसीज है सबसे ज़्यादा जो है नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं टीचर्स की, तो इसीलिए जब भी हमारी KVS के अंदर जॉब लगती है सबसे पहले चांसेस वहीं होते हैं कि हमारी पहली पोस्टिंग जो होती है नॉर्थ ईस्ट या साउथ इंडिया में होती है, सबसे ज़्यादा वहीं पे आप लोगों को ट्रांसफ़र दी जाती है पहले 3 साल के लिए, वो 3 साल कई बार बढ़ भी जाते हैं। सो आप लोगों का यही है कि हमारी वैकेंसीज कब आएंगी। सी अभी तो 2 महीने तक तो कोई चांसेस नहीं है वैकेंसी आने के, एज़ यू नो आपका जो KVS होता है वो हर 2-3 साल के अंदर वैकेंसीज निकालता है। हमारी लास्ट वैकेंसीज जो थी वो दिसंबर 2022 में निकली थी, जिनका एग्जाम आपको पता है फरवरी वगैरह मार्च में हो गया था। अभी भी हमारी वैकेंसीज जो हैं आप ये मान के चलिए ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, और हफ्ते 10 दिन के बाद ये क्लियर हो जाएगा, तब मैं आपको क्लियर कर पाऊंगी। बट यस, आप मान के चलिए बाय अक्टूबर तक आपको ये आपकी KVS की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। एंड क्योंकि KVS के अंदर ऐसा कोई विंटर वाला रूल होता नहीं है, कोई इधर उधर कोई स्पेशल ड्रेस कोड नहीं होता है कि आप लोगों को समर्स में एग्जाम लेने हैं या विंटर्स में नहीं लेने हैं, तो इसीलिए अगर अक्टूबर में वैकेंसीज निकल जाती हैं, अगर तो सितंबर में निकल गई तो आपका दिसंबर तक सारे एग्जाम्स KVS कंडक्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि KVS के अंदर इतने सारे एग्जाम्स नहीं होते हैं जो DSSSB में होते हैं। एंड सेम अगर अक्टूबर में वैकेंसीज निकलती हैं KVS की, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी फरवरी तक हो जाएगा एट एनी कॉस्ट। मतलब अगर आप लोग DSSSB के लिए, KVS के लिए, दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों का ये हो सकता है कि TGT वालों के लिए हो सकता है ये वाला एग्ज़ाम आपका KVS का पहले भी हो सकता है, इसीलिए अपने आप को दोनों एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। देन किसी का टारगेट अब आपको डिपेंड करता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं मैक्सिमम जो होते हैं DSSSB में ही जॉब करना चाहते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आपको पता है पोस्टिंग होती है, तो अगर आप KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट यस प्रिपरेशन करते रहिए, अपने आप को हारने मत दीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं आगे, कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन होगी चाहे वो NVS में काम आए, चाहे वो DSSSB में, चाहे KVS में, चाहे EMRS, किसी ना किसी में आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। बट आपको ये ध्यान रखना है, आपको अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलर मोड में पढ़ाई करनी है, पढ़ाई को बुक्स को बिल्कुल अपने हाथ से जाने नहीं देना है, एंड अपना मेन टारगेट ये बनाना है टू गेट अ जॉब। क्यों ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे तो केंद्रीय विद्यालय में ही चाहिए या मुझे तो DSSSB, नहीं, ऐसी जिद नहीं करनी है, आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, चाहे वो KVS में मिले, चाहे NVS में मिले, चाहे DSSSB में। एक बार अगर आप जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में सेटल हो जाते हैं ना, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कितने सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे होते हैं जो केंद्रीय विद्यालय में जॉब लगने के बाद DSSSB के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं, क्योंकि घर दिल्ली में होते हैं, दिल्ली में सेटल होना चाहते हैं। तो इसीलिए अभी फिलहाल आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि हम लोग अपना गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर सकें। एक और चीज़, आई नो कि KVS और NVS के अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बहुत प्रॉब्लम है एंड इसके लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है, जैसे कि TGT साइंस के लिए वो आपको बायो भी मांग रहे हैं, फिजिक्स भी मांग रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांग रहे हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं, मतलब जो TGT के लिए तो आप अप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो अब आप अगर आपकी एज है तो अगर आप लोग अपना मास्टर्स कर सकते हैं तो आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि KVS के अंदर क्या होती है ना, 10 ईयर्स की फीमेल्स के लिए एज रिलैक्सेशन होती है,
तो उस चीज़ में आप बेनिफिट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग MSc या अपना MA अगर किसी भी उसमें करना चाहते हैं तो आप अभी राइट टाइम पे एडमिशन ले सकते हैं, ताकि अगले 2 साल में आप लोग PGT के लिए भी एलिजिबल हो जाएं। ठीक, PRT के लिए तो आपको पता है BEd वाले पूरे, मतलब जो केमिस्ट्री ऑनर्स करके आए हैं, फिजिक्स ऑनर्स करके आए हैं, वो तो ना PRT के लायक रहे ना वो TGT के लायक रहे, और PG वो भर ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। तो इसी बीच अगर आप 10 साल आपके पास पूरे फीमेल कैंडिडेट्स को मिलते हैं, तो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग अपना मास्टर्स करना चाहते हैं, आप मास्टर्स कर सकते हैं ताकि आप लोग PGT पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएं। हमारी वैकेंसीज जो है अभी ऑलमोस्ट 6,500 से 7,000 वैकेंसीज हैं इन KVS, जिसके अंदर आपकी PRT भी है, PRT का म्यूजिक इंक्लूडिंग करके बोल रही हूँ। TGTs की काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं फॉर ऑल पोस्ट, PGTs की वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी है जिसमें जूनियर सीनियर दोनों हैं। तो वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत अच्छी मात्रा में आने वाली हैं, 6,500 से 7,000 से ज़्यादा भी बढ़ सकती हैं, वो टेंटेटिव है, दिस इज आइडिया, वो 10-15 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा। एंड KVS का एग्ज़ाम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, DSSSB के एग्ज़ाम के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगी आसान होता है, क्योंकि मैंने खुद ने दिया है, क्योंकि उसको सारे बच्चे एक्चुअली में KVS का एग्ज़ाम देते नहीं है, तो कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है DSSSB के कंपैरिजन में। इसीलिए KVS को या NVS को क्रैक करने की पूरी पूरी कोशिश करिए, मतलब आप 80% मेहनत के अंदर भी KVS का या NVS का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, EMRS का क्लियर कर सकते हैं, बट यस DSSSB का एग्ज़ाम थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसके लिए तो आपको मैं बोलूँगी 120% मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मेहनत तीनों के लिए करिए, बट यस अपना टारगेट ये बनाइए कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जॉब में तो मुझे गवर्नमेंट जॉब में लेना ही लेना है, अपना टारगेट पूरा करना है। गवर्नमेंट जॉब आपका टारगेट होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, चाहे आपको इंडिया के किसी भी कोने में जाना पड़े, गवर्नमेंट जॉब। आप देखेंगे कि यू विल गेट अ वेरी गुड फीलिंग जब आप एक जगह सेटल हो जाते हैं, तो एक सेटिस्फेक्शन जो होता है आपकी लाइफ में वो बहुत अच्छा सा आ जाता है। इसीलिए अपना टारगेट वही रखिए, एंड लेकिन प्रिपरेशंस आप करते रहिए, और उसके बाद देखा जाएगा, एक बार जब गवर्नमेंट जॉब में सेटल हो गए उसके बाद फिर एग्जाम्स देते रहिए, DSSSB का देना है, किसी और कहीं और पोस्ट का देना है, तब आप दे सकते हैं। सो वेटिंग फॉर दी KVS वैकेंसीज, जैसे ही वैकेंसीज का कुछ कन्फर्म आएगा डेफिनेटली मैं बताऊंगी आपको, बट यस अभी आप मान के चलिए अक्टूबर नवंबर तक आप लोगों की केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज भी आने वाली है, सारा का जो सारा काम है वो इट इज़ अंडर प्रोसेस। सो टिल द टाइम थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।